नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। विधानसभा चुनावों को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चुनावों की रणनीति तय करने और संगठन से जुड़े मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में मीटिंग हो रही है। बैठक में सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली जुड़े हैं। इस दौरान कुछ समय के लिए मीडिया कर्मियों को वीडियो और फोटो के लिए अलाउ किया गया है। राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि बैठक में गहलोत जी भी जुड़े हैं, लैपटॉप में उन्हें भी दिखा दीजिए। इस पर नेताओं ने कहा कि बड़ी स्क्रीन लगी है, उस पर भी देख सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे और राहुल गांधी राजस्थान के कांग्रेस नेताओं की चुनावी टास्क देंगे। इस बैठक में करीब 30 वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया है। सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान मिटाकर एकजुट करने के हिसाब से इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक इस बैठक में राजस्थान विधानसभा चुनावों की रणनीति के साथ सचिन पायलट के रोल को लेकर फैसला होने की संभावना है। पिछले दिनों इसी तरह की बैठक छत्तीसगढ़ के मामले में हुई थी। छत्तीसगढ़ की बैठक के बाद टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया था। छत्तीसगढ़ में खींचतान मिटाने के बाद अब राजस्थान की बारी है। सचिन पायलट को संगठन में पद देकर मेन स्ट्रीम में लाने के फार्मूले पर इस बैठक के बाद अमल होने की संभावना है।